प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी ने नया दांव चल दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया। कहा सपा 300 यूनिट बिजली पाओ, नाम लिखाओ, छूट न जाओ अभियान चलाएगी। इसके लिए हम 19 जनवरी से अभियान शुरू कर रहे हैं। योगी सरकार ने पिछले कुछ महीनों से बिजली बिल नहीं भेजे हैं, ये जानबूझकर नहीं भेजे गए हैं। यदि बिजली बिल भेजे तो उन्हें ऐसा करंट लगेगा कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत कार्यकर्ता घर घर पहुंचे, जो लोग 300 यूनिट फ्री बिजली चाहते हैं उनसे फार्म भरवाया जाएगा। जिनके पास बिजली का बिल है वो उसी नाम को लिखे और जो भविष्य में कनेक्शन लेना चाहते हैं वो राशन कार्ड के अनुसार नाम लिखवाएं। उन्होंने कहा कि अभियान चलाने के लिए हम आयोग से रथ चलाने की अनुमति मांगेंगे, साथ ही डोर टू डोर और ऑनलाइन अभियान भी चलाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने महंगाई बढ़ाई है, नौकरी रोजगार खत्म कर दिए हैं, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, पानी के जहाज बिक गए, बंदरगाह बिक रहे हैं। सोचना इस बात के लिए चाहिए कि बैंकों का इंटरेस्ट कितना कम हो गया, बैंक डूब रही है, बिक रही है, ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब भाजपा के पास नहीं है। अखिलेश ने कहा सपा कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। रामपुर के जिलाधिकारी ने सरकार की मनमर्जी से काम किया। एक आईपीएस दूसरे पर आरोप लगा रहे थे कि पैसे से पोस्टिंग हो रही है। सबसे ज्यादा आपराधिक मामले वाले विधायक तो भाजपा ने पहुंचाए हैं। समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करने की याचिका को उन्होंने भाजपा प्रायोजित बताया। कहा कि ऐसे तो योगी जी भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अखिलेश के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला को फंसाने में कांग्रेस और भाजपा दोनों शामिल थे। सरकार ने लोगों के लिए काम किया होता तो उन्हें एजेंसी की मदद नहीं लेनी पड़ती। जनता नाराज है, हमें 400 सीट लेने से कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, मैं हूँ पंकज सिंह गौर, मैं हूँ विद्या ज्योति, मैं हूँ सत्या सिंह। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। कहाँ रहते हो बेटा? कुतुब नगर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।